सुमित मौजूद है हमारे साथ। सुमित, 9600 के नीचे निफ्टी आ चुका है, इनफैक्ट इंट्राडे लोस पर है। डिफिकल्टी हुई आज सुपर शेयर निकालने में? अब होगी जैसे ही निफ्टी टूटा 9600 के नीचे। खैर, फार्मास्यूटिकल स्पेस के साथ जाएंगे दीपाली, की डिफेंसिव स्पेस और एक अच्छी वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। SMS फार्मा को चुना है ये निफ्टी की, फार्मा इंडेक्स के अंदर शुमार कंपनी है। चुनने की वजह भी है कि API क्रैम्प्स कारोबार के अंदर कंपनी कामकाज करती है, रिसेंटली नंबर्स के साउंड थे। एक क्रूशल चीज ये है कि कंपनी के जो रीसेंट आंकड़े हैं उनमें मुनाफा 10% के आसपास कंपनी का बढ़ा है, लेकिन डीमर्ज कारोबार भी हुआ है। तो डीमर्जर के बाद जो सिचुएशन है वो ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी है। उसके अलावा एक नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब 8-9% के आसपास इंप्रूव हुआ है। पिछले 3 साल में कंपनी ने हाई रेट से अपने डेट को रिड्यूस किया और डेट फ्री स्टेट की तरफ पहुंच चुकी है। एक अच्छे नंबर्स कंपनी पोस्ट कर पा रही है इसीलिए कि डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ कंपनी भी कामकाज कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड स्पिन ऑफ किया है जो कारोबार, उसकी भी लिस्टिंग होने की बातचीत हो रही है और 22 तारीख को कंपनी ने स्पिन ऑफ की डेट भी दी हुई है। अगर कुछ भी कंपनी ऐसा कामकाज करती है, कुछ भी वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो ये अच्छा ट्रिगर रह सकता है कंपनी के लिए। 122 रुपये से शेयर करेक्ट हो गया, 80 रुपये की रेंज में आ चुका है, तो एक अच्छी वैल्यू बाय भी है। गोइंग फॉरवर्ड जो एक लक्ष्य दिया जा रहा है करीब 105 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है। आपका जो व्यू है वो कॉन्ट्रेरियन है टू राज भट्ट, अभी उनसे बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि फार्मा और IT अंडर परफॉर्म करेंगे और फिलहाल कोई कपल ऑफ इयर्स में तो कोई ग्रोथ आएगी नहीं, टेम्पटेशन रखनी नहीं चाहिए खरीदारी की। बट आपका जो कॉल है वो अलग है, और कम से कम देखिए आपके कॉल के बाद 4.5% चल भी गया है ये स्टॉक, तो नजर रख सकते हैं इस पर, अपॉर्चुनिटी तो खैर है अच्छी खासी। देवेन, आपने फार्मा में लिया क्या कुछ? Me here, I think few stocks where we have remained confident and we have, I think, stayed invested. We have not added very big, I think, in those stocks, but small quantities we have added. And they include the list of Cipla, Sun Pharma and Glenmark. कि जहाँ पे हमें काफ़ी हद तक आई थिंक कंपनी के कारोबार की एक आई थिंक कैपेसिटी मालूम है, पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही है। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज हैव ऑल्सो गॉट आई थिंक डिसेंट अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। And at the same time, with the corrected valuation, I think the downside risk has minimized. So I think we have selected these 3 companies and we are staying invested into these 3 companies. जी, आज के सेशन में देवेन, मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी हाउसेस के रिपोर्ट आए हैं जिसमें उन्होंने टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशन तो दी है, टारगेट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिए हैं। वेदांता पर ही फॉर इंस्टेंस अब 350 तक के टारगेट्स आने शुरू हो गए हैं। आप अभी किस मेटल स्टॉक के साथ कंफर्टेबल है नई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? सो आई थिंक जो नॉन फेरस स्पेस है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा है, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। द फैक्ट इज दैट आई थिंक द एज यू मेंशन द वेदांता द बैलेंस शीट साइज इज रिलेटिवली मोर क्लियरर टू अस बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान जिंक दैट दे हैव इन दर पोर्टफोलियो। आई थिंक द कंपनी लुक्स आई थिंक मच बेटर। सो वी आर सिलेक्टिवली इन्वेस्टेड इन टू मेटल्स एंड वी फील दैट आई थिंक दिस इज इन स्पेस वेयर अगले 3 साल का जो एक माहौल है वो माहौल आई थिंक क्लियर हो चुका है। मे बी आई थिंक वी आर लाइकली टू सी ग्रेजुअल अप मूव इन टू द वॉल्यूम्स, क्योंकि जो प्राइस है वो प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा हम अपू नहीं देख रहे हैं। उसका वन ऑफ द रीज़न इज दैट द इनपुट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट इज रिमेनिंग अंडर कंट्रोल। सो द मेटल कमोडिटी प्राइसेस आर अनलाइकली टू शूट अप बट द वॉल्यूम्स आर लाइकली टू इम्प्रूव, और जो कंपनी के पास बैलेंस शीट स्ट्रांग है उनको इसका बेनिफिट एटलीस्ट नियर फ्यूचर में ज़्यादा मिलना चाहिए। एंड दैट इज़ वेयर वी फील हिंदुस्तान जिंक स्ट्रोक वेदांता वुड बी आई थिंक अ रिलेटिवली बेटर चॉइस कम्पेयर टू द अदर्स। बिल्कुल, इस बीच एक बार मार्केट को देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी फिर से अपने खुलने के बाद के सबसे निचले लेवल्स के आसपास है, 9585 तक ये फैसला था वहीं पर है, और ये जो जोन है ना 9600 से 9580 ये थोड़ा सेंसिटिव भी है मार्केट के लिए। अब ये 9580 के भी नीचे अगर फिसल जाएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट के लिए। जो टॉप लूजर है, एक तो मेटल स्पेस पूरा ही सेलिंग देख रहा है, सो हिंडाल्को है जो कि 2% नीचे है, एशियन पेंट्स, यस बैंक, टाटा पावर, सिप्ला, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है, तो थोड़ी नज़र रखनी होगी मार्केट पर। देवेन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। 9600 के नीचे मृत्युंजय के पास ही चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या कोई ब्राइट स्पॉट है क्या। इक्विटी थोड़ा आज ढीला है मृत्युंजय, कमोडिटी में क्या हो रहा है? मजबूती है आज, बुलियन मार्केट तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव करीब $4 ऊपर है, और आज बुलियन मार्केट के लिए बेहद अहम दिन है क्योंकि आज फेड का फैसला आना है, और माना यह जा रहा है कि फेड की ब्याज दरें 0.25% बढ़ाने की लगभग 100% संभावना है।
देखना होगा इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखता है। इसके अलावा अगर कच्चे तेल की बात करें तो हालांकि आज क्रूड मार्केट में गिरावट है और $46 प्रति बैरल के आसपास है WTI क्रूड। ब्रेंड का भाव 48.50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 1% की गिरावट है क्योंकि ओवर सप्लाई की चिंता मार्केट पर लगातार बनी हुई है और इसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओपेक और US में क्रूड सप्लाई बढ़ी है ऐसी खबरें आई हैं और मई में ओपेक का उत्पादन 3,36,000 बैरल डेली बढ़ा है और मई में उत्पादन 3,22,00,000 बैरल रोजाना रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखा है। API की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 28,00,000 बैरल बढ़ा है, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के और साथ ही हमारे साथ टी ज्ञान शेखर हैं कॉम्ट्रेंड्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अमित सजेजा हैं हमारे साथ और साथ ही अनुज गुप्ता हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई है, गोल्ड में करीब 38 रुपये की बढ़त है, 28,982 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। सिल्वर में अगर हम देखें तो करीब 125 रुपये की बढ़ोतरी है, 38,900 के ऊपर है। कच्चा तेल दबाव में कारोबार कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर भी साफ तौर पर क्रूड में देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में रेंज बाउंड ट्रेड है। कॉपर में अगर देखें तो बिल्कुल दायरे का कारोबार, 370 के आसपास है भाव। निकिल में करीब 4.5 रुपये की मजबूती और 570 के ऊपर MCX पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। जिंक में करीब 0.5% की मजबूती है, 159.60 रुपये के स्तर पर है भाव। लेड का भाव करीब 0.5% ऊपर है, 133 के आसपास। एल्युमिनियम में मामूली बढ़त, 121.60 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा अनुज कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी कुछ तेजी और बाकी है? मृत्युंजय गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो फेड की मीटिंग है आज और उसमें एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट का कुछ पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है, तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो प्रेशर है वो हो सकता है कि आज भी देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में सलोनाइज करके चलना चाहिए। अगर हम गोल्ड को देखें तो हमें लगता है कि 29,000 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 29,150 का रहेगा, टारगेट करीबन 28,800 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अमित सजेजा आपका व्यू क्या होगा बुलियन मार्केट को लेकर के, जो कि आज फेड की बैठक का आखिरी दिन है और माना यह जा रहा है कि 0.25% तक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? जी गुड मॉर्निंग। देखिए जहाँ तक इम्पैक्ट का सवाल है, एक्चुअली काफी हद तक तो फैक्टर हो चुका है कि ये रेट हाइक होने वाला है, बट उसके बाद जो गाइडेंस दिया जाता है उस पर ज्यादा जोर होगा। पिछले दिनों में हमने एक करेक्शन आते हुए देखा है ऊपरी स्तरों से गोल्ड में, तो अगर प्योरली मॉर्निंग सेशन की बात करें तो जो एक रिलीफ रैली आ रही है वो एक्सटेंड हो सकती है, तो मैं इनिशियली बाइंग की सलाह देना चाहूंगा करीबन 28,900 के करीब, और 29,100-29,130 की रीजन आती है तो फिर वहां से बेचा जा सकता है, तो इनिशियल मूव अपसाइड देखने मिल सकता है। चांदी के ऊपर क्या व्यू है आपका अमित सजेजा? देखिए चांदी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में गोल्ड से ज्यादा दबाव में दिख रही है, क्योंकि हो सकता है बेस मेटल्स में जो कल एक सेल ऑफ आया उसका प्रेशर दिख रहा है। सिल्वर में लिमिटेड अपसाइड होगा, तो उसमें मैं 39,200-39,250 की जोन में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा, सिल्वर ज्यादा बुलिश नहीं लग रहा। ओके, क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड के ऊपर अनुज आपका कमेंट क्या होगा? जो API की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 28,00,000 बैरल बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है, क्या आउटलुक है आपका क्रूड को लेकर? देखिए क्रूड में जो इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, जो सप्लाईज हैं चाहे वो ऑल रिग्स काउंट हैं, दोनों ही यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि उसका इंपैक्ट नेगेटिव रहेगा और हमने देखा भी है टेक्निकल चार्ट से कि भाव ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इंट्राडे की अगर बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 2920 तक देखने को मिल सकते हैं और नेचुरल गैस में नीचे टारगेट करीबन 188 रुपीज तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेटल मार्केट को लेकर के आपका ओवरऑल व्यू क्या होगा आप अमित, और खास करके आज के कारोबार के लिए जिंक में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? जी देखिए मेटल्स में जिंक में हमने काफी वाइड स्विंग आते हुए देखे हैं, पिछले हफ्ते तेजी देखी थी बट उसके बाद में एक सेल ऑफ आया है, तो ये जो रीसेंट सेल ऑफ है ये लगता है कंटिन्यू होने की उम्मीद है, और हमें जो प्रीवियस हफ्ते के लोज थे 156-155 के करीब वो दोबारा देखने मिल सकते हैं। मार्केट प्राइस पे सेल किया जा सकता है विद अ स्टॉप अराउंड 161, डाउनसाइड में इंट्राडे बेसिस 157 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके,
नेचुरल गैस में आपको लगता है अनुज की आज के कारोबार के लिए बेचकर चलना बेहतर रहेगा एनजी में? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस के अंदर भी हमने देखा कि इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी बिकवाली कर सकते हैं, नीचे टारगेट 188 रुपीस तक देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, और निकिल के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज, निकिल में क्या करना चाहिए? निकिल में देखिए कल काफी अच्छा बाउंस बैक किया है लोअर लेवल से, टेक्निकल चार्ट्स पे एक अच्छा पैटर्न बनाया है, मुझे लगता है कि निकिल के अंदर एक बाइंग एक्टिविटी कर सकते हैं। ऊपर टारगेट देखे तो 575 से लेकर 580 रुपए तक के लेवल निकिल में देखने को मिल सकते हैं। हाँ अमित, करेंसी मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या होगा, क्योंकि आज फेड के फैसले के बाद डॉलर में भी हलचल की संभावना है, उसका इम्पैक्ट आप इंडियन करेंसी पर क्या देख रहे हैं? देखिए रिसेंट दिनों में हमने एक्चुअली डॉलर इंडेक्स के साथ डॉलर रुपी का एक सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट होते हुए देखा है, मतलब डिस्पाइट यू नो जो भी मूवमेंट आती है वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती, मे बी क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लोज आ रहे हैं काफी स्ट्रांग है, तो रुपी एक अप्रिशिएटेड यू नो रीजन में ही है, लेकिन डाउनसाइड में 6430 6425 एक अच्छा सपोर्ट है, तो एक इनिशियल बाउंस बैक की मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6465 तक। ओके आपका व्यू अमित, ग्वार के ऊपर क्या होगा, क्या ग्वार में आपको अभी खरीदारी दिख रही है? जी पिछले दिनों में हमने काफी एक भारी सेल ऑफ आते हुए देखा है, लगभग 4000 से प्राइस 3200 तक स्लिप हो गई है, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, मार्केट पे भी बाय किया जा सकता है 3400 के करीब, अपसाइड में 3530 तक के टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, आपका कमेंट अनुज, मेंथा के ऊपर क्या होगा, मेंथा में आपको लगता है आज के लिए बाय करके चलना बेहतर रहेगा? जी बिल्कुल, मेंथा में देखे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला है, कल लोअर लेवल से मार्केट बाउंस बैक हुआ है, मुझे लगता है कि मेंथा के अंदर बाय इनिशिएट की जा सकती है, और ऊपर अगर टारगेट को देखे तो करीबन 930 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अनुज गुप्ता आपका और अमित सजेजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि जिस तरह से सेबी ने ऑप्शन को लेकर के फाइनल गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद किस तरह से कमोडिटी मार्केट को बूस्टर मिलेगा, इस पर हमने बात की है। हमारे साथ समीर शाह होंगे, हमारे साथ मुर्गांग परांजपे होंगे MCX के MD एंड CEO, हमारे साथ हरीश जी होंगे और साथ ही हमारे साथ कुणाल शाह। और अब बात शेयर बाजार की, रजत जो बिल्कुल एक रेंज में है, लेकिन बायस हल्का माइल्डली नेगेटिव मैं कहूंगा कि मार्केट्स पे हुआ है, बहुत कॉशियस से ट्रेडर्स, क्योंकि FOMC बैठक का जो भी फैसला होगा वो इंडियन मार्केट्स को नहीं सभी इमर्जिंग मार्केट्स को हिट करेगा। 10 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिल रही है, 96 के लेवल के नीचे हैं, सेंसेक्स पे 9 अंकों की बढ़त है, बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में इतनी बड़ी चाल नहीं बनी, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज भी है ट्रेडर्स की। ऐसे बाजार में सबसे ज्यादा चढ़ाया आज इंडेक्स पे वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2% की तेजी और बाजार को जो संभाले हुए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज न्यूज फ्लो का असर था, 35 पॉइंट्स ऊपर है, 1.25% की तेजी। पावर ग्रिड में लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी है, आज कल के मुकाबले कम तेजी, लेकिन फिर भी 210 के लेवल को होल्ड कर गया, जो इस पूरे ही सीरीज में क्रॉस नहीं कर पा रहा था लेवल, उसके ऊपर टिका हुआ है ये। IOC, हीरो मोटोकॉप, ICICI, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बनी है, लेकिन गिरावट में हिंडाल्को, वेदांता, ये दोनों ही स्टॉक्स कमजोर हैं, और साथ साथ विप्रो ACC में कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में तेजी है उन पर बात करते हैं स्मॉल कैप रेडार में। चलिए शुरुआती कारोबार में जहां पर तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आए उसमें एक है धनसेरी इन्वेस्टमेंट। देखिए आज ही नहीं अगर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखेंगे तो 48% चढ़ चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक, जबकि इंडेक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वन वे ट्रैक पे है। आज भी 15% की तेजी धनसेरी इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म कर गया ये मार्केट्स को। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा, सुबह एक ब्लॉक डील हुई उसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अब 8% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। शांति गियर्स, सुबह फास्ट मनी 7:30 बजे के सेगमेंट में, ये आज पहला स्टॉक आपको बताया गया था जिसमें तेजी बनने की संभावना थी, 4% ऊपर आ गया और 2015 के बाद ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहे हैं स्टॉक पे। कार्बोरंडम, एक और स्टॉक जो 4 सत्रों से लगातार वन वे ट्रैक पे है, आज भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है इस गिरते बाजार में। मोतीलाल ओसवाल अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचा, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स की ग्रिप पॉजिटिव है, 4% ऊपर है मोतीलाल ओसवाल। और एक स्टॉक है बॉम्बे डाइंग जिसमें तेजी है, ग्रीव्स कॉटन इसमें भी तेजी है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पे, इन पे आप नजर रखिए। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब इसमें मौजूद हैं। आशीष जी शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो इंडेक्स पे अप्रोच बताएं, आज के सत्र में अगर एक फ्लैट कारोबार भी हुआ तो क्या एक रेंज प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं सर आप?
देखिए रजत जी, कल जैसे मार्केट था, मेरे ख्याल से कल नो ट्रेडिंग जोन में था मार्केट। मुझे लगता है आज भी थोड़ा उसी टाइप की चीजें रहेंगी, बट लेटर हाफ में 2:30 बजे के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव बायस आना चाहिए। एक रेंज की बात करें, मुझे लगता है एक इमीडिएट रेंज जो है 9570 से 9625 के जोन में आ रही है, 50-60 पॉइंट की रेंज मुझे लग रहा है यहाँ पर निकल के आ रही है। मुझे लगता है मार्केट मोर ऑर लेस इसी रेंज में प्ले करेगा। राइट, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो अभी बताएं बॉम्बे बर्मा जिस तरीके से आज चल रहा है, और दूसरा स्टॉक बॉम्बे डाइंग, दोनों पे ही आपका व्यू चाहिए। बॉम्बे बर्मा तो पे आज ब्लॉक डील का असर है सर, यहाँ पर इसलिए तेजी बन गई है, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स में से बेहतर ट्रेड कौन सा साबित होगा बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा से? बॉम्बे बर्मा में आपने डेफिनेटली सही बोला, आज एक ब्लॉक डील है और वॉल्यूम के साथ इसमें तेजी आई। आप देखें ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट पिछले 1 से 2 महीने में एक रेंज में था, 947 948 के जोन को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे आज तेजी आई है। मुझे लगता है ये तेजी जो है एटलीस्ट इसको 980 तक के लेवल के लिए लेके जाएगी इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। बॉम्बे डाइंग में मुझे ज्यादा कन्विंसिंग तेजी आज की नहीं लग रही है, तो मैं अगर आप प्रेफरेंस बोलेंगे तो बॉम्बे बर्मा मेरी प्रेफरेंस रहेगी। राइट, साथ ही साथ कुछ और स्टॉक, एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास देखिए, ये स्टॉक भी मैं ट्रैक कर रहा था, अब 250 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, 6% की तेजी स्टॉक में बनी है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और 2013 के बाद मौजूदा स्तर पे, ये तेजी भी और बढ़ सकती है क्या? डेफिनेटली रजत जी, आप देखें जो कल की वॉल्यूम थी, मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल में हाईएस्ट वॉल्यूम कल इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्लॉक हुई है, और उसके साथ तेजी आई है, आज फिर से वो तेजी कंटिन्यू हुई है। तो हम टेक्निकली भी देखें जो क्यूज हमें मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो पॉजिटिव ही है, मुझे लगता है 280-290 तक के जोन देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। एक स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन, 5 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छुआ है आज स्टॉक ने, तेजी अभी और बढ़ती नजर आती है आपको? और डेफिनेटली आज एक गैप के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक में ओपनिंग हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा सा गैप फिल हो, बट नेवरदिलेस अगर इसमें आप तो मीडियम टर्म अगर बायस पूछेंगे तो मुझे पॉजिटिव ही लगता है। नीचे में एक बेस 155-157 का बना लिया, मुझे लगता है ऊपर में 182 तक के जोन टेस्ट हो सकते हैं। राइट, और कुछ स्टॉक्स जिसमें आज शांति गियर शामिल है, 2015 के बाद मौजूदा स्तर पे है सर, ये स्टॉक चाहे धीरे धीरे सही लेकिन एक नए लेवल्स छू रहा है, तो इसमें ग्रिप क्या और मजबूत हो सकती है शांति गियर्स में? डेफिनेटली जिस सेक्टर से ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो सेक्टर काफी बज में रहा है पिछले कुछ दिनों में, ये थोड़ा लैगार्ड रहा है, थोड़ा लेट चला है ये पर्टिकुलर स्टॉक पूरी रैली में, बट मेरे ख्याल से अब इसने रैली स्टार्ट कर दी है और ये रैली मुझे लगता है कि 185 तक एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके जाएगी। एक फ्लैग कंसोलिडेशन पैटर्न से कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, कल भी वॉल्यूम अच्छी थी, पिछले 3 दिन से राइजिंग वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो काफी अच्छा लग रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। अच्छा, ये धनसेरी इन्वेस्टमेंट किसी के रडार पर था नहीं, लेकिन जिस तरीके के रिटर्न्स इसने डिलीवर कर दिए हैं 46-48% मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में, 3 ट्रेडिंग सेशन पहले 272 के लेवल पे धनसेरी इन्वेस्टमेंट था, आज इसने बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और पिछले 3 दिन से 1-वे ट्रैक पे है, इसको ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? डेफिनेटली इसका चार्ट अगर आप देखें तो काफी ज्यादा तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गई है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी टच हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा एक कंसर्न रहेगा, 420 के ऊपर का मुझे लगता है कि टारगेट लेना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, तो मुझे लगता है 415-420 के जोन पे इसको एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, तो अगर किसी के पास है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 395 का लगाने की सलाह दूंगा और उसी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल कम लगता है फ्रेश एंट्री के लिए। मार्केट्स पे ऐसा देख के लग रहा है कि ट्रेडर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हैं क्योंकि बहुत स्कैटर्ड मार्केट है और बहुत आइडेंटिफाई करने पड़ रहे हैं कि एक ट्रेड यहाँ पर निकालना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे एस्ट्रल पॉली ये एक और स्टॉक है जो अब तक के उच्चतम स्तर पे है, मोमेंटम है, लेकिन फेड का कोई भी फैसला आ गया तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर पड़ जाएगा और ये स्टॉक जो तेजी पकड़े हुए हैं इन पर भी कहीं ना कहीं हिट लग सकता है अगर ये फेवरेबल आउटकम ना रहा तो। लेकिन अभी तक के चार्ट पैटर्न के हिसाब से एस्ट्रल पॉली कैसा लग रहा है सर आपको? डेफिनेटली काफी अच्छा ये पर्टिकुलर स्टॉक लग रहा है, जिस तरीके का मोमेंटम है, वॉल्यूम्स इस तरीके की जनरेट हो रही हैं, ऑल्दो इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहती हैं बट जो फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ दिनों वॉल्यूम्स आई हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि ये स्टॉक 700 रुपए के लेवल को टच करने की दिशा में अब बढ़ चुका है। चलिए ठीक है, लेकिन रोज बरोज आपके लिए एक वैल्यू पिक भी लेकर आते हैं इस शो में जहां पर पैसा कमाने के चांसेस इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अभी तक या तो वो चला नहीं या फिर अंडर वैल्यूड प्ले है, वही बताने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंचल, आज तो टफ चैलेंज होगा क्योंकि FOMC का फैसला तो आना है, लेकिन उससे पहले फिर भी जो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है वो स्टॉक शेयर कर दीजिए हमारे साथ।
टफ चैलेंज तो नहीं था मैं कहूंगा, क्योंकि वैल्यू अभी भी मार्केट में बहुत है और कई सारे सेक्टर्स पॉकेट्स हैं जो अभी नहीं चले। वैसे ही एक पिक लेकर आए हैं पेपर कारोबार से, कंपनी है स्टार पेपर। देखिए इस कंपनी के लिए सबसे खास बात रहेगी कंपनी का कारोबार और कंपनी की वैल्यूएशन। पहले कारोबार की बात करते हैं, कंपनी प्रीमियम प्रिंटिंग पेपर कारोबार में और एक अच्छा खासा मार्केट होल्ड करती है प्रीमियम प्रिंटिंग पेपर कारोबार में। कंपनी के नंबर्स को अगर आप नजर डालें, Q4 में मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% इंप्रूव हुए, सीधा 7% से नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 21% हो गए। तो आप खुद देख रहे किस तरह से कंपनी ट्रांसलेट कर रही है अपनी सेल्स को एक हायर मार्जिन के अंदर। अब बात आती है कंपनी की वैल्यूएशन की। एक अच्छी चीज़ कंपनी के नंबर्स में रही जिसने वैल्यूएशन को बूस्ट दिया, वो था इंटरेस्ट पेमेंट का। कंपनी धीरे धीरे करके पिछले 5 सालों में अपना कर्ज घटाया और Q4 तक आते आते पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए। तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर स्टार पेपर के लिए ये है कि कंपनी में डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। वैल्यूएशन फ्रंट पे मौजूदा कैश EPS इसकी आप देखिए करीब 38.40 रुपये की कैश EPS होल्ड करती है कंपनी। वहीं FY19 के लिए अनुमानित EPS 64.60 रुपये और PE मल्टीपल महज 3.2 का। बेहद सस्ता शेयर है सेक्टर के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है शेयर में और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड अभी भी होल्ड करता है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहद स्ट्रांग है, सो मच सो ब्रोकर्स एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 80% कंपनी का मुनाफा सालाना तौर पर बढ़ सकता है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए कई सारी ब्रोकर्स की राय थी। JP Morgan ने अपनी होल्ड रेटिंग को इसमें मेंटेन रखा है, लेकिन फर्स्ट कॉल की तरफ से बाई की सलाह आई है, इसमें खरीदारी करने की सलाह आई है और 250 रुपये के लक्ष्य के साथ स्टार पेपर में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए 250 रुपये का लक्ष्य है और जो मौजूदा स्तर से काफी ऊपर का लक्ष्य है। JP Morgan जैसे बताया वो भी ट्रैक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, आप इसको अपने रडार पर रखें। आशीष जी एक स्टॉक आपकी ओर से भी चाहिए जहां पर तेजी बन सकती है सर। NIT Tech यहाँ पर रिजल्ट जी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसने हायर फॉर्मेशन बनाया था। मुझे लगता है स्टॉक में एक टारगेट जो बनता है वो करीब करीब 580 के आसपास का, 575 580 की रेंज में बनता है और 560 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करता है। अच्छा एक स्टॉक देखिए फिलाटेक्स, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ना यहाँ पर निचले स्तरों से काफी बाइंग इमर्ज हो रही है, आज वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, ये तेजी बढ़ सकती है क्या फिलाटेक्स में? डेफिनेटली जिस तरीके की तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी देखने के लिए मिल रही है, मुझे लगता है कि और कंटिन्यू होनी चाहिए। 155-158 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में ना पोजिशनल बेसिस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आज बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू रखते हैं आप? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ी हुई आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ही आज चल पड़ा ये स्टॉक 2% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर के करीब, तेजी भी और बढ़ेगी क्या? देखिए आप अगर रिलायंस और निफ्टी को देखें तो अगर रिलायंस को आप निफ्टी से हटा दें शायद 30-40 पॉइंट की करेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाए। आज एकमात्र रिलायंस ही निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ है और एक सपोर्ट पे है। देखिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है रिलायंस पे। आपने रिलायंस का जो सपोर्ट है 1320-1310 उसके आसपास है और वहां से कई बार बाउंस बैक लिया है। मुझे लगता है ये अगर 1345 को ब्रेक करता है तो हम एक बहुत सडन और बहुत शार्प मूव 1375 तक देख सकते हैं। तो पॉजिटिव डेफिनेटली बायस डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव है रिलायंस में। चलिए लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे भी फोकस है, हालांकि कोई बड़ा मूव आज बैंकिंग सेक्टर पे नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट दो खबरें थी जो आज इस पूरी इंडस्ट्री को रूल कर रही है। एक तो 4 बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने प्रेजेंटेशन दिया है, इंपॉर्टेंट यह है कि कंसोलिडेशन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया है, और दूसरा RBI ने बैंकरप्सी के लिए खातों की पहचान की है, 12 स्ट्रेस खातों की पहचान की है। इस पर और अपडेट देने के लिए सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित बताएं दोनों ही खबरें उसका इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। आज भले बाजार ने रिएक्ट ना किया हो रजत इनके ऊपर, लेकिन ये खबरें बहुत क्रूशियल हैं स्पेशली बैंक्स के संदर्भ में। पहली खबर तो यही है कि जो 4 बैंक्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, फिनविन में प्रेजेंटेशन दिया है, विजया बैंक, देना बैंक, साथ साथ केनरा बैंक जैसे जो बैंक्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, सिंडिकेट बैंक भी इसमें शामिल थे, और विलय को लेकर भी यहाँ पे जो बातचीत है वो की गई है कंसोलिडेशन को लेकर अदर। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है बैंकरप्सी कोड को लेकर, जहाँ पर RBI ने बैंकरप्सी कोड के लिए कुछ खातों की पहचान की है, रफली 12 स्ट्रेस खाते जो हैं उनकी पहचान की गई है और इसमें करीब करीब 25% के आसपास के जो NPAs हैं वो है, ओवरऑल NPAs 25% जो है वो यहाँ पर है। पावर, स्टील, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, एविएशन जैसे जो सेक्टर हैं इनमें ये 12 स्ट्रेस अकाउंट्स हैं और रफली
5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो बकाए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, करीब 60% के आसपास के जिनके एनपीएस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो दोनों ही जो खबरें हैं खासतौर पर इनका इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा बैंकिंग स्पेस पे, आज नहीं है लेकिन हाँ मेजरली इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए, और ज्यादातर जो नाम आ रहे हैं वो स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के आ रहे हैं, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल पुष्टि होने बाकी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ इस समय रविकांत साहब जुड़े हैं, रविकांत भट्ट जी, बैंकिंग एनालिस्ट आईडीबीआई कैपिटल से। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर सबसे पहले तो ये मर्जर एक्विजिशंस का आपको लगता है कि अब दौर शुरू होगा, क्योंकि ये जो चार बैंकों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय के सामने प्रेजेंटेशन दी है? ऐसा है कि हम भी काफी होपफुल है कि ये जो किक स्टार्ट किया है आईबीसी को रेफर करके ये आगे बढ़े और इसमें से कुछ हल निकले, क्योंकि काफी सारे अकाउंट्स जो एनपीए है ये काफी समय से इनका रेजोल्यूशन करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अभी ये आई वुड से ये अगला लॉजिकल स्टेप था ये करना, और होपफुली ये प्रोसेस जो रहेगी, ये पूरी प्रक्रिया जो रहेगी, ये होपफुली ये ग्लोबल रहेगी जिसमें ना कि सिर्फ भारत से लेकिन बाहर के भी इंटरेस्टेड पार्टीज अपना बिड डाल सके। तो होपफुली ये रिजोल्यूशन मैकेनिज्म थोड़ा अभी थोड़ा और आगे बढ़ जाए। सर आपने ये आईबीसी वाली खबर के ऊपर अपना रिएक्शन पहले दे दिया, मैंने आपसे सवाल कंसोलिडेशन पे भी पूछा था, ये चार बैंक्स ने जो प्रेजेंटेशन दी है छोटे मझौले बैंक्स हैं, तो क्या लगता है कि अब ये बैंकिंग सेक्टर के लिए कंसोलिडेशन यही एकमात्र रास्ता रह गया है क्या? देखिए कंसोलिडेशन तो होना ही है, सवाल ये था कि ये कब होगा, या अभी करना चाहिए थोड़ा बाद में करना चाहिए। तो अगले 4 साल में एटलीस्ट अगर हम देखे 5-6 सरकार और थोड़े मध्यम साइज की जो बैंक्स है उनमें भी थोड़ी 3-4 ऐसी बैंक्स है जो काफी जिन्हें आप रिलेटिवली थोड़ा हेल्दी बोल सकते हो बाकी बैंकों के साथ अगर तुलना करेंगे, तो ऐसे कुछ बैंकों का M&A शुरू हो सकता है। ओके राइट, लेकिन अब वो जो आप आईबीसी वाली बात कह रहे हैं, ये बैंकों के बुक्स पे सर और प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक पे अब क्या असर आता हुआ नजर आएगा ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का? देखिए एक बात तय है कि इसमें थोड़ा प्रोविजनिंग बैंक्स को करना पड़ेगा, तो ये पता नहीं है कि फाइनल रिजोल्यूशन क्या होता है, किस भाव पे ये जो एसेट्स आइडेंटिफाई की गई हैं, कौन से फाइनल सेल वैल्यू पे बिक जाएंगी, और बैंकों को कितना हेयरकट लेना पड़ेगा। हेयरकट लेना पड़ेगा ये तो तय है, ये मुझे लगता है काफ़ी समय से इस पे डिस्कशन हो चुका है। जो डेट लेवल्स है वो काफ़ी भारी है इस समय और वो सस्टेनेबल भी नहीं है, तो प्रोविजनिंग रहेगा जितना हमें पता है 25-40% की रेंज में अभी बैंकों ने प्रोविजनिंग मेंटेन किया है काफ़ी सारी NPAs पे। तो डिपेंडिंग ऑन बैंकों का क्या एक्सपोजर है उस हिसाब से हेयरकट्स रहेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो पर तो असर पड़ना है। अच्छा आखिरी सवाल होगा भट्ट साहब, यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ना ज्यादातर जो कंपनियां हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है वो स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई है, स्ट्रेस एसेट्स जो हैं सबसे ज्यादा स्टील सेक्टर में ही है क्या, और कोई और सेक्टर भी जो बहुत प्रभावित है इस समय एनपीएस इश्यूज यहाँ पर निकल सकते हैं? देखिए स्टील सेक्टर तो सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर कंपनीज भी स्ट्रेस्ड है, तो अभी जो डिस्कॉम्स थे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे उनका हल तो उदय बॉन्ड से निकल गया, लेकिन जैसे कि गैस बेस्ड पावर प्लांट्स है तो वहाँ पे भी स्ट्रेस है, कुछ थर्मल पावर प्लांट्स में भी स्ट्रेस है जी। तो वो भी फोकस में रहेंगे स्टील के बाद। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों ही अहम खबरों पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बैंकिंग सेक्टर बहुत स्कैटर्ड है, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में कोई बहुत बड़ी खरीदारी आज के सत्र में नहीं हो रही है, निफ्टी बैंक खुद लाल निशान में कामकाज कर रहा है, लेकिन आपके सामने एक ट्रेड हम रोज बरोज रखते हैं और वो FNO से रिलेटेड ट्रेड होता है, कल हमने बताया था DCB बैंक, आज टाटा एलेक्साई की बारी है। इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता साहब की कॉल है जो हमने आज सुबह ली, उनका कहना है कि 15-20 का एक स्टॉप लॉस रखें, इनफैक्ट ये कॉल अभी पिछले 10 मिनट में ही बहुत एक्टिव हो गई है, पहला टारगेट उन्होंने जो हमें दिया था वो था 15.75 का और उसके बाद वो 16.30 तक के टारगेट्स
के लिए अप्रोच करने की बात कर रहे थे, तो अब 16:30 का ही लक्ष्य लगाकर चलें जो ओपन हो जाएगा, क्योंकि पहला टारगेट तो कभी भी लग सकता है। आपको स्टॉप लॉसेस भी रिवाइज करने होंगे, 15:20 का स्टॉप लॉस था पिछले 10 मिनट में जो एक्टिविटी बढ़ी है उसको ट्रेल करना होगा, 15:35 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लें, और 16:30 का एक टारगेट टाटा एलेक्सआई पे देखने को मिल सकता है। दिन के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है, स्ट्रांग मूव है टिक बाय टिक पे जो आपको साफ तौर पे विजिबल हो जाएगा। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपका पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऐसी मार्केट में भी काफी स्ट्रांगली कमाई कराएंगे उस पर बात करेंगे आपका बाजार में। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।